भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दलित युवक की पिटाई मामले में बिजनेस वुमेन विभूति पटेल उर्फ रनीवा अब पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। ये पूरा मामला गुजरात के मोरबी का है, जहां वेतन मांगने पर कर्मचारी की मालकिन विभूति पटेल ने जमकर पिटाई की है। बेल्ट से पीटा गया, उसे लात घूसों से पीटा गया। जब इतने से दिल नहीं भरा तो इन लोगों ने कर्मचारी के मुँह पर चप्पल जूते भी रख दी। आपको बता दें कि रनीवा इंडस्ट्रीज की मालकिन है विभूति पटेल, और अन्य चार लोगों पर कर्मचारी ने आरोप लगाया कि वेतन मांगने पर उसे बेल्ट से पीटा गया, और इससे जब इनका दिल नहीं भरा तो इन लोगों ने उसके चेहरे पर यानी मुंह पर चप्पल जूते भी रख दिए। इस पूरे मामले को लेकर जब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, और उसके बाद विभूति पटेल अपने भाई ओम पटेल के साथ अन्य चार साथियों के साथ मिलकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर इन सभी को अब गिरफ्तार कर लिया है। नवंबर 2023 को टी डिवीजन पुलिस स्टेशन में फरियादी श्री नीलेश भाई दलसणिया की फरियाद के तहत आईपीसी और एट्रोसिटी एक्ट की कलमों के तहत गुना रजिस्टर हुआ है, जिस गुना में फरियाद में कुल 5 आरोपी दिखाए गए थे और अन्य अननोन पर्सन थे। उसमें से एक आरोपी को कल अटक करके दिया गया है और कोर्ट हवाले कर दिया गया है, और अन्य 3 आरोपियों को आज अटक करके रिमांड की तजवीज जारी में है। उसमें विभूति बहन, ओम भाई और राज भाई 3 आरोपी हैं, और अन्य जो आरोपी हैं पकड़ना बाकी हैं परीक्षित भाई और अन्य जो अननोन पर्सन है उसके खिलाफ कार्यवाही तजवीज जारी है।